दीपोत्सव अर्थात झिलमिल रोशनी, उमंग, उल्लास और उत्साह का उत्सव। ये वो पर्व है जब हम एक दूसरे को उपहार भेंट कर उनके प्रति प्रेम के भाव को प्रदर्शित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शब्दों में सामाजिक जीवन की परिभाषा है, अंतिम छोर पर खड़े अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना। दीपोत्सव के पर्व को भी लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का माध्यम बनाया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनको मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 200 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित तिपहिया वाहन भेंट किए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे आसपास उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, दिव्यांग भी असाधारण व विशेष योग्यताओं से युक्त हैं। समस्या वहां उत्पन्न होती है जब उन्हें अवसरों की समानता व सम्मान से वंचित रखा जाता है। सरकार इस स्थिति को दूर करने तथा दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में करीब 200 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित वाहन भेंट किए गए। इस उपहार से उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में शामिल सभी दिव्यांगजनों ने विश्वास जताया कि ये उपहार उनके जीवन और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुविधाजनक और सुगम बनाने में सहयोगी बनेगा। वे साबित कर देंगे कि दिव्यांग अक्षम नहीं बल्कि भिन्न रूप से सक्षम हैं और अवसर मिलने पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।